वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। अगर दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्यमंत्री को चुना, 70 में से 62 सीट दी, वो मुख्यमंत्री अगर अपने शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग नहीं भेज सकता तो फिर क्या फायदा है ऐसे चुनाव का और क्या फायदा है जनतंत्र का। अभी हम सारे जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाने दें। बहुत सारे काम इन दिनों में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई 1,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। पता नहीं कितने सारे काम एलजी साहब ने रोक दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एलजी साहब कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर एलजी साहब ये सारे काम कैसे रुकवा सकते हैं? अभी एलजी साहब के पास जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपील एलजी साहब से एक ही अपील है, संविधान को माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। जब मैं परसों मिला, कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, मैं एलजी साहब से कहूंगा एक अच्छा एडवाइजर रखें जो संविधान समझता हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को समझता हो। एलजी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबके ऊपर बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। सीधे यहीं से चल रहे हैं।